हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ कम ऑयल और जल्दी से झटपट बनने वाले नाश्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक कटोरी सेवैयाँ ले ली हैं, इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। सेवैयाँ अच्छे से रोस्ट हो गई हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। सेम क्वांटिटी में मैंने एक कटोरी सूजी ले ली है, इसे भी हम मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। अब सूजी भी रोस्ट हो गई है, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। अब इन दोनों को हम 5 से 10 मिनट के लिए थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अब सूजी और सेवैयाँ थोड़ी सी ठंडी हो गई है, हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। आधा नींबू का रस डाल देंगे इसमें। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधी कटोरी हम इसमें दही ऐड कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। इसमें मैंने लगभग 1.5 कटोरी पानी ऐड कर दिया है। अब इसे हम कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब मिक्सचर को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा थिक भी हो गया है। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। एक चौथाई चम्मच इसमें जीरा पाउडर डाल देंगे, एक चौथाई चम्मच ही काली मिर्च पाउडर, एक चौथाई चम्मच रेड चिल्ली पाउडर और एक चौथाई चम्मच धनिया पाउडर। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। एक इंच इसमें ग्रेट की हुई जिंजर ऐड कर देंगे, दो हरी मिर्च डाल देंगे कटी हुई, एक चॉप की हुई शिमला मिर्च ऐड कर देंगे, एक बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे, एक चॉप की हुई कैरेट ऐड कर देंगे, थोड़ा सा इसमें धनिया ऐड कर देंगे। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दो चम्मच इसमें राइस फ्लोर डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। अब पैन पे हम एक चम्मच ऑयल डाल देंगे और थोड़ा सा मिक्सचर लेके इसे इस तरह से फैला देंगे। अब इसे पलट कर दूसरी साइड से भी पका लेंगे। अब ये पैनकेक रेडी हो गए हैं, इसी तरह से हम बाकी भी बना लेंगे। अभी हमारा हेल्दी और झटपट बनने वाला नाश्ता बनकर एकदम तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।